धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो दीदी? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे, तितली सोमवार से रविवार रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये आधा घंटा हो गया फ्लाइट आके, कहाँ रह गया ये अमोर पता नहीं। हेलो, कहाँ है अमोल? अमोल ठीक तो है ना? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? मेरे अमोल पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। केतन, केतन पक्का अमन के पास जा रहा होगा। मैं छोड़ती हूँ। माँ मेरा फोन नहीं उठा रही और वहां रिया ने मेरे ही फोन से। फोकस अपनी फोकस, अभी तुझे अमन तक पहुंचना है। ये क्या कर दिया तूने? चल चल जल्दी गाड़ी में बैठ, तूने बहुत पी रखी, ड्रंक ड्राइविंग में सीधा जेल जाएगा। ए! कोई आला पंगा आ जाएगा, चलना चलना जल्दी। अमन, नील, नील तुम ठीक हो? गाड़ी का नंबर। नील, नील ओ, तुम ठीक हो ना? गाड़ी का नंबर नोट करो। हाँ, करती हूँ करती हूँ। पहले तुम अपने आप को संभालो, उठो। तुम हॉस्पिटल लेके जाओ या घर? हॉस्पिटल लेके गई तो सब सवाल पूछेंगे, क्या बताऊँ क्या कहूंगी मैं, ये सब गलती से हुआ है, कौन विश्वास करेगा? माँ, माँ भी फोन नहीं उठा रही। नील, नील उठो उठो। संभाल के ये लो, ये दवाई खा लो।
अरे दवाई है, पॉइजन नहीं दे रही हूँ। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि जख्मी दुश्मन पर ही हमला करूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अपने ही दुश्मन से हेल्प लूँ, भले कितना भी जख्मी क्यों ना हो। मैं अब रुको रुको, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर पहले ये शर्ट उतारो। ये लो, ये पहन। इसमें भी तुम्हारी कोई नई चाल है क्या? खून के दाग है तुम्हारी शर्ट पे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस हालत में देखें। सब डर जाएंगे, तुम्हारी मॉम ऑलरेडी इतनी टेंस है, और टेंशन में आ जाएंगी। फिर तुम्हें चाहे इसे चाल समझना हो तो समझ लो, पर ही चेंज कर लो। थैंक्स। अरे शर्ट जैसी चीज के लिए थैंक्स जैसा हेवी ड्यूटी वर्ड बोलना नहीं चाहिए था तुम्हें। हमारी टशनबाजी की कुछ तो इज्जत करते। जिसलिए मैंने थैंक्स बोला है, वो बात उससे भी ज्यादा बड़ी है। वैसे मेरी मॉम के बारे में किसी को ना बता दे, इसके लिए थैंक्स। ये प्रिटेंड करने के लिए मेरी मॉम की तबीयत वाकई बहुत खराब है, ये जानने के बावजूद भी कि वो ड्रामा कर रही थी, उसके लिए भी थैंक्स। उठो। तुम्हें पता था? हाँ, कई बार आपके अपने लोग कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जैसे कि आप शर्मिंदा हो जाते हो। आप सोचते हो कि आप इतने अच्छी तरीके से जानते थे, वो इतने अलग कैसे हो जाते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगे? बात शुरू मुझ पे हुई थी, पर एंड होते होते तुम तक पहुंच गई। क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा ही सोचते हो। मैं तो बस ये जानने की कोशिश करी थी कि तुम जैसा मिस्टर राइट ऐसी रॉन्ग सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगा, एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा या क्यों? ताकि मॉम अपनी हरकतों के लिए एनकरेज हो जाए। नेवर। वैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की टेंशन लेना बंद कर दो प्लीज। सॉरी। अरे जरा से दर्द के लिए सॉरी जैसा हैवी ड्यूटी वर्ड, इससे हमारी टशनबाजी की इज्जत कम तो नहीं हो जाएगी? मेरे सवाल का जवाब दे दो, नहीं होगी। तुमने क्या किया? अपनी मॉम से लड़ाई की? नहीं। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो फिर मुझसे क्यों लड़ते रहते हो? शायद मैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहता। अगर करनी होती तो क्या करते? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे किसी अपने ने कुछ ऐसा किया है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते? एंगेजमेंट कैंसिल नहीं की तुमने, अपनी मॉम से लड़ाई नहीं की, तो किया क्या? बात की, समझने की कोशिश की। अक्सर ऐसा होता है कि सही लोग भी कुछ गलतियां कर जाते हैं, पर उसके पीछे एक रीजन होता है। उस रीजन को पता करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की मैंने। वैसे तुम बताओ, तुम मुझसे ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? क्या रीजन है तुम्हारा? नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा ना। जिस बात को करते हुए लोग आंख में आंख ना मिलाए, उस बात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहती हूँ, मैंने वो पिक्चर्स नहीं खींचे थे। बोलो
करोगे भरोसा?